सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसे तुम्हारी जरूरत ना हो फिर भी जो तुमसे रिश्ता निभाए, ऐसा रिश्ता किसी खुशनसीब को ही मिलता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। अपनी मुस्कुराहट से दुनिया बदलिए, दुनिया से अपनी मुस्कुराहट मत बदलिए। आज का पंचांग 24 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:17 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 6:22 तक रहेगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:13 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 11:56 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 24 अप्रैल 2021 दिन शनिवार, इस बात की संभावना है कि कोई आपके आसपास आपके विचार चुरा कर अपने करियर में प्रगति करना चाहता है, इसलिए किसी से बात करते हुए सावधान रहें। आपको इस समय बड़ी गंभीरता से अपने हित के बारे में सोचना है। अपने लंबे सहकर्मी रह चुके लोगों के साथ भी अपनी जानकारियां साझी ना करें। इस दौरान धीरज से काम लेंगे तो जल्दी ही अपने शुभ चिंतकों को भी पहचान जाएंगे। ग्रह स्थितियां आपके भाग्य को प्रबल कर रही है। संतान के करियर से संबंधित किसी समस्या का भी हल जरूर निकलेगा। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक और आत्मिक सुकून मिलेगा। आज अधिकतर समय आप अकेले में ही बिताने की कोशिश करेंगे। लोगों के द्वारा आपके ऊपर डाले गए दबाव के कारण आपको नाराजगी महसूस होगी। इस कारण आप हर एक व्यक्ति से दूरियां बनाए रखेंगे। साथ ही आत्म परीक्षण करने की कोशिश आपके द्वारा की जाएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई से संबंधित बातों की वजह से नाराजगी महसूस हो सकती है। रिलेशनशिप में बढ़ती दरार के कारण आपको अधिक अकेलापन महसूस होगा। शारीरिक समस्याओं से संबंधित चिंता आपको सता सकती है। सावधानियां, किसी निकट संबंधी के साथ व्यक्तिगत मामलों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है, धैर्य बनाकर रखें। निवेश संबंधित नीतियों पर भी दोबारा विचार करें। इस समय आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो ये आपके प्रेम प्रसंगों को नीचे की तरफ ढकेल सकता है। इसके अलग अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान ना दे तो रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों से आपको भावनात्मक सहयोग मिलेगा। संतान की किसी परेशानी को हल करने में आपका प्रयास सफल रहेगा। बात करते हैं करियर की। कुछ समय से आपके व्यय बढ़ रहे थे पर आज से आप इन सब में एक खुशनुमा बदलाव देखेंगे। आखिरकार आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके खर्चे काफी हद तक नियंत्रण में आएंगे और माहौल बदलता हुआ सा नजर आएगा जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पर आपको अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ना है। जल्दबाजी में लिए हुए कदम आपको पीछे की ओर ढकेल सकता है जिससे आपकी धन पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। दूर दराज के क्षेत्रों से संबंधित ऑर्डर मिलने की भी संभावना है और आपको अपनी सेहत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ वाद विवाद होने की स्थिति भी बन रही है। बात करते हैं सेहत की। तनाव की वजह से नींद न आने जैसी समस्या रहेगी।
मेडिटेशन करें और कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत करें। आपको अपने खाने की ओर तुरंत ध्यान देना भी होगा। आप कई दिनों से ज्यादा खा रहे हैं और बहुत अस्वास्थ्यकर खाना खा रहे हैं, और चाहे आपको यह अनुभव बेशक ना हो, लेकिन इससे आपकी सेहत काफी प्रभावित हो रही है। दरअसल आपके शरीर और मन में इकट्ठे हो रहे तनाव का मूल कारण जंक फूड है। जब तक आप अपने खाने का पैटर्न नहीं बदलते, आपकी रिलैक्सेशन की तकनीकें विशेष फायदेमंद नहीं होगी। आज का उपाय, आज आप भगवान शनि देव को तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।